हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। तो द वेट कंटिन्यूज, तो देखते हैं किस चीज़ का वेट यहाँ पे हो रहा है। गॉड हैज़ गिवन मी द अपॉर्चुनिटी, सेज द प्राइम मिनिस्टर एज द वुमेन रिजर्वेशन बिल वॉज टेबल इन द लोकसभा ऑन द सेकेंड डे ऑफ द 5 डे स्पेशल सेशन ऑफ पार्लियामेंट। ट्रुथ बी टोल्ड, गॉड हैड गिवन हिम दिस अपॉर्चुनिटी इन 2014। इट वॉज पार्ट ऑफ द पार्टीज मैनिफेस्टो एंड इट हैज़ एग्जिस्टेड फॉर 9 ईयर्स। सो वॉज इट अबाउट एम्पावरिंग वुमेन और डज इट हैव टू डू मोर विद द अपकमिंग जनरल इलेक्शंस? द आंसर इज ऑब्वियस एज डे लाइट। तो यहाँ पे देखिए, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया जा रहा है। पुटिंग इवन द डिले एंड इंटेंट असाइड, देर इज स्टिल अ कैवियट टू द एक्ट। इट कैनॉट बी इन्फोर्स्ड अंटिल द अनलेस अ न्यू सेंसस एंड डिलिमिटेशन प्रोसेस इज अंडरटेकन। तो ये 2026 में होगा। द इशू ऑफ वुमेन्स रिजर्वेशन इज अ लॉन्ग अवेटेड वन। देर आर ओनली 78 वुमेन मेंबर्स इन द लोकसभा हु अकाउंट फॉर लेस देन 15% जो अप्रॉक्सीमेटली आपके हो जाते हैं 14.81%। ठीक है, परसेंट ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ। वुमेन अकाउंटेड फॉर ओनली 14% ऑफ राज्यसभा मेंबर्स। तो यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 15, यहाँ पे 14। द रिप्रेजेंटेशन इज वर्स इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, ओनली 9% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑन एवरेज। तो आप देखिए, लोकसभा, राज्यसभा और स्टेट के एवरेज पे इतने ही वुमेन प्रेजेंट है। तो द नेशनल पॉलिसी ऑफ द एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन 2001 हैड स्टेटेड दैट रिजर्वेशन विल बी कंसिडर्ड इन हायर लेजिस्लेटिव बॉडीज। जो जर्नी ऑफ वुमेन्स रिजर्वेशन एंड इंक्रीज रिप्रेजेंटेशन इन पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबलीज बिगैन इन 1996। इन मनमोहन सिंह टेन्योर इन 2010 डिड पास इन द राज्यसभा बट कुड नॉट इन द लोकसभा। सिंस देन द प्रॉमिस टू इंडियाज वुमेन हैज नॉट बीन केप्ट, इंक्लूडिंग इन द करेंट फॉर्म दैट हैज बीन क्लियर्ड। द 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इंस्टीट्यूशनलाइज grassroots level democracy provided for women reservation. This constitutional amendment acts were tabled in the parliament in 1992 and came into effect a few months after their introduction. The current version does not have a clear time frame for its implementation. In this case, it depends on two factor, that is the census and delimitation. In two factors ke upar ye depend karega. Ab jo inhone women reservation bill lekar aaye hain. Just to reiterate, the bill could have been made immediately implementable after the 73rd and 74th amendment was done within 6 months and without taking it to a census and delimitation. तो बोल रहे, जैसे आप देखिए, ये 73rd आपका आपका इसका हो गया पंचायत का, 74th आपका म्यूनिसिपैलिटी का हो गया। तो ये तो हमारे आ गए थे पहले, पर 1992 में इसका अमेंडमेंट आया। आप देखिए, जब अमेंडमेंट आया उसमें वुमेन के लिए रिजर्वेशन दिया गया। तो जब वुमेन के लिए रिजर्वेशन दिया गया तो उसके कुछ वीक्स बाद ही ये इम्प्लीमेंट हो गया। तो यहाँ पर ये ऑथर ऐसा बोलना चाह रहे हैं, मैं प्रियंका चतुर्वेदी इनका नाम है, ये कह रहे हैं कि जैसे उस समय हुआ था बिना डिलिमिटेशन और सेंसस के, वैसे अभी भी हो सकता था कि जैसे मानिए हो गया तो 2024 का जो इलेक्शन आपका होगा उसमें इसको वुमेन को रिजर्वेशन दे दो। इतना इतना मतलब वेट क्यों करना है 2026 के डिलिमिटेशन और सेंसस का। तो देखते हैं। So these amendments become perhaps the only one to be passed, but whose implementation is left for a future undecided date. The last census was held in 2011. The union government attributed the COVID-19 pandemic for postponing the exercise, and the last two notifications by the Registrar General of India did not mention any revision. Even if the census process is carried out, the delimitation exercise could end up being a tussle between union and the southern states. As per a research paper, Indian Emerging Crisis of Representation, after the 2026 delimitation, Bihar and UP will have total 222 MPs, while the four southern states will have a combined representation of 165 in the Lok Sabha. तो आप देखिए, दो आपके northern states, बिहार यूपी के पास 222 सीट्स होंगी लोकसभा में, और साउथ के फोर स्टेट्स के पास 165 स्टेट्स होंगी। तो इसी को बोला जा रहा है क्राइसिस ऑफ रिप्रेजेंटेशन डिलिमिटेशन के बाद।
The current variant differs from its 2008 version in some ways. Ignorance of intra-state women representation and reserve seats to be rotated after every delimitation exercise. The 2008 bill mandated the one-third of the Lok Sabha seats in each union territory and state should be reserved for women. However, current bill does not provide any such intra-state reservation. So, intra-state reservation is mein current bill mein nahi hai. The rotation reserved seats will happen after every delimitation exercise, according to current act. It can take nearly 4 to 5 years for the delimitation commission to issue its report after its commencement. मतलब commencement मतलब जब उसको establish कर दिया जाए, उसके 4 से 5 साल बाद वो अपना report देता है. The government hasn't clarified what will be the status of women's reservation when the delimitation exercise is going on. तो 4 से 5 साल में तो वो अपना report देता है. तो वो 4 से 5 साल के बीच के टाइम में वुमेन का क्या रिप्रेजेंटेशन रहेगा उसके ऊपर गवर्नमेंट कुछ नहीं अभी बताई है. द इशू ऑफ वुमेन्स रिजर्वेशन हैड कम अप इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स एज वेल बट इट वॉज रिजेक्टेड एज बींग अननेसेसरी. फॉर इंस्टेंस इन 1947 नोटेड फ्रीडम फाइटर रेणुका रे सेड वी ऑलवेज हेल्ड दैट व्हेन द मेन हु हैव फॉट इन द स्ट्रगल फॉर द कंट्रीज फ्रीडम केम टू पावर द राइट्स एंड लिबर्टीज ऑफ वुमेन टू वुड हैव गारंटीड. However, in the following decade, it became clear that this was not to be the case. As a consequence, women reservation became a recurrent theme in policy debates. For instance, the Committee of the Status of Women in India, set up in 1971, commented on the declining political representation of women in India, a country that gave equal rights and opportunity for representation to all its citizens. When the constitution came into effect, unlike the women of the West who had to fight for their voting rights, is now being constantly pushed the idea of women representation at a later date. This is a bold blot on the idea of our visionary founders. So, आप देखिए यहाँ पे हमें क्या बताया जा रहा है, इनकी सोच क्या है. हमें simply यहाँ पे इतना समझा दिया जा रहा है. Just a second. हमें यहाँ पे पहला चीज बता दिया जा रहा है, आपका वुमेन रिजर्वेशन बिल है ये हमें पता होना चाहिए 2023 में मोदी गवर्नमेंट ले आई है. अब इसका क्रिटिसिज्म हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, क्रिटिसिज्म. अब आप देखिए ये क्रिटिसिज्म आ एक वुमेन से रहा है, तो हमें ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम इसको एड्रेस करें. सबसे पहले इन्होंने इशू क्या बताया कि वाई आफ्टर सेंसस एंड डिलिमिटेशन, ठीक है, ये इम्प्लीमेंट बाद में क्यों होगा, मतलब वाई नॉट नाउ. नाउ का मतलब 2024 के इलेक्शन में क्यों नहीं, बताओ, ये इसमें एक चीज हो रहा है. थर्ड, ये गवर्नमेंट्स को गवर्नमेंट से पूछ रही है, शी इज आस्किंग गवर्नमेंट इफ इट वॉज इन योर 2014 इलेक्शंस मैनिफेस्टो, पार्टीज मैनिफेस्टो, दैट यू गाइज विल ब्रिंग वुमेन रिजर्वेशन बिल, ठीक है, तो ये अभी क्यों आ रहा है 2023 में क्यों, वाई इट टुक 9 ईयर्स एंड जस्ट बिफोर द नेक्स्ट इलेक्शन. ये साफ इन्होंने पूछा कि अगले इलेक्शन से ठीक पहले क्यों, और 9 साल क्यों लग गए इस चीज़ को. तो ये इनका क्वेश्चन बिल्कुल वैलिड है, गवर्नमेंट मस्ट आंसर दिस. और ये जो बात रही सेंसस और डिलिमिटेशन के बाद, ये भी गवर्नमेंट को आंसर करना चाहिए. गवर्नमेंट को यहाँ पे बोलना चाहिए कि हम अभी क्यों नहीं कर रहे हैं इसको इम्प्लीमेंट, अपना व्यू बताइए आप सिटीजन्स को अभी कर. देखिए गवर्नमेंट ने कोई यहाँ पे डिसीजन लिया है तो इट्स ऑब्वियस उन्हें कुछ सोच के लिया होगा, पर क्या सोचा है ये कहीं पे. देखिए सबसे बड़ी बात, ये वुमेन है, ये बिल इनके लिए आया है, तो अगर ये कोई क्वेश्चन कर रही है इस बिल के ऊपर तो गवर्नमेंट मस्ट आंसर दिस. तो एक तो ये चीज़ हो जाता है. आप देखिए और यहाँ पे कुछ फैक्चुअल डेटा है, लोकसभा में 15%, राज्यसभा में 14% और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में 9%. तो ये लोकसभा हो गया, ये राज्यसभा हो गया, ये स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हो गया, ये आपका करंट डेटा है, ठीक है.
73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। एक आपका पंचायत से है, ठीक है, एक आपका म्यूनिसिपैलिटी से है। आप देखिए इसका जो अमेंडमेंट आया था 1992 में, यहाँ पे 1/3 सीट्स रिजर्व फॉर वुमेन, ये अमेंडमेंट था इसमें आपके 1992 में जो इसमें अमेंडमेंट हुआ। अब देखिए क्या हुआ, जब ये अमेंडमेंट आया तो उसके कुछ दिनों बाद ही ये इम्प्लीमेंट भी हो गया। तो इनका, प्रियंका जी का कहना ये है, अभी वाला बिल भी वैसे ही कर दो जो है, तुम उसको बाद के लिए क्यों रख रहे हो, जैसे इस समय हो गया उसको अभी भी वैसे ही कर दो। तो एक ये चीज़ था। और इस आर्टिकल में एक हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, इंडियाज़ इमर्जिंग क्राइसिस ऑफ रिप्रेजेंटेशन, ये हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब देखिए जब 2026 का डिलिमिटेशन होगा ना, तो बोला जा रहा है यूपी प्लस बिहार, इसके पास सीट्स होंगे 222 इन लोकसभा, और प्लस 4 साउथ इंडियन स्टेट्स के पास होंगे 165 सीट्स इन लोकसभा। तो रिप्रेजेंटेशन की क्राइसिस हो रही है, तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है। और इसीलिए सेंटर एंड सदर्न इंडियन स्टेट्स में आप देखेंगे थोड़ा सा टसल होगा सीट्स को लेकर के। इसीलिए बोला जाता है जो यूपी जीतता है वो देश को जीतता है, और यूपी है भी वैसा जगह। तो थोड़ा सा इस आर्टिकल्स में थोड़े यहाँ पे अपन हमने फैक्ट्स देख लिए, यहाँ पे हमने कुछ हिस्टोरिकल वुमेन रिजर्वेशन के लिए अमेंडमेंट्स देख लिए। ये गवर्नमेंट को यहाँ पे आंसरेबल, इन्होंने आंसरेबल मतलब आंसर करे गवर्नमेंट, या को गवर्नमेंट को क्वेश्चन किया इन्होंने। यहाँ पे हम क्राइसिस देख लेंगे कौन सा क्राइसिस फ्यूचर में होने वाला है, और उसके बाद आप देखिए यहाँ पे बस हमारे लिए इतनी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। सो थैंक यू गाइज एंड प्लीज़ वर्क हार्ड टू अचीव ऑल योर ड्रीम्स। और हाँ, यहाँ पे आप ये देखिए, ये रेणुका रे, ये इसमें बताया फ्रीडम फाइटर है, तो रेणुका रे हमें जानना है, ये रेणुका रे जो अपनी फ्रीडम फाइटर हैं, इनका क्या रोल है फ्रीडम फाइटिंग में। क्योंकि कई बार क्या होता है, हमें बहुत लोग हमें पता नहीं है ऐसे फ्रीडम फाइटर, हम दो चार के नाम ही जानते हैं, तो इनके बारे में थोड़ा हमें जानना चाहिए, रेणुका रे कौन थी और इनका क्या कंट्रीब्यूशन था इनटू द फ्रीडम ऑफ इंडिया, इंडियन स्ट्रगल, इनका क्या कंट्रीब्यूशन था। सो थैंक यू गाइस एंड प्लीज वर्क हार्ड टू अचीव ऑल योर ड्रीम्स।